मेरा पैसा कब दे रहे हो तुम? मैं तेरा पैसा दे रहा हूं, जो मांगेगा। ऐसा कैसे नहीं देगा? तेरे को जो मांगेगा मैं तेरे को पैसा देगा ही। फिर मैं जाता हूं पुलिस स्टेशन। तू पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा? इधर से बाहर आएगा तो पुलिस स्टेशन जाएगा। तुम मुझे रोक पाओगे? तेरे को मार दूंगा अभी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? वहाँ पर, हाँ बोलो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर मम्मी, वहाँ पर एक आदमी, मम्मी वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ। क्या? हाँ। मरा हुआ? हाँ। कहाँ पे? वहाँ पर उस कमरे में। ठीक है ठीक है, तुम आ जाओ बैठो ना, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, बैठो बैठो। उस मरे हुए आदमी के आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं मम्मी। ठीक है एक मिनट रुको। हेलो सीआईडी, सीआईडी मैं ओरिएंट होटल से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक लाश है, किसी का मर्डर हुआ है। मैडम क्या कह रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। लाश कहाँ से आ सकती है होटल में? लेकिन रिकी ने देखा है, यहाँ एक लाश है। कहाँ देखा था तुमने रिकी? यहाँ इसी कमरे में, वो लाश ऊपर से गिरी थी। ये क्या कह रहे हो बच्चे, यहाँ लाश कैसे आ सकती है? आप जरा कमरा खोलकर देखिए तो सही। देखिए मैडम, इस कमरे में जो आदमी ठहरा हुआ है उसकी परमिशन के बगैर हम कमरा नहीं खोल सकते। उसका सामान पड़ा है अंदर, कुछ पैसे वैसे गायब हो गए तो हम फंस सकते हैं। कहीं वो लाश उस आदमी की तो नहीं जो यहाँ ठहरा हुआ है? उसकी? देखा मैं कह रहा था ना आपसे, कहाँ है लाश? मैंने कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी वो मरा हुआ आदमी यहीं पर गिरा था, मैंने उसे यहीं पर देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा मम्मी। यहाँ पे देखा था तुमने? हाँ। बच्चा झूठ थोड़े ही ना बोलेगा। देखिए मैडम मुझे लगता है बच्चे को जरूर कोई धोखा हुआ है। अभी पता चल जाएगा धोखा हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने सीआईडी को फोन कर दिया है। सीआईडी से हमें यहाँ से किसी ने फोन किया था? सब मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। मेरे बेटे ने रूम नंबर 101 में एक लाश देखी है। सर ये मैडम गलत कह रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कौन? सर मेरा नाम मुकुल है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। सब मेरे बेटे रिकी ने लाश देखी है। सर जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इनके बेटे ने लाश देखी है, मैंने इनके साथ जाकर कमरे को देखा पर वहाँ कुछ है ही नहीं। पूछिए इनसे, वहाँ कुछ मिला आपको? है वहाँ पे लाश? मैम लाश नहीं है। जी मगर सर मेरा बेटा झूठ क्यों बोलेगा? देखिए ना कितना डरा हुआ है। बेटे क्या तुम बता सकते हो वो आदमी कैसे दिखता था? सर हाँ? मैंने ठीक से तो कुछ नहीं देखा, मैं तो वहाँ खेल रहा था। जब मैं बॉल लेने उस कमरे में गया तब अचानक वो आदमी मेरे सामने गिर गया और सर मैं बहुत डर गया था और मैं वहां से भाग निकला। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच, तुम जाकर खेलो। मैम अपने बेटे का ख्याल रखना, डरा हुआ है। थैंक यू सर। इस होटल में जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे, और जितने भी लोग काम करते हैं इस होटल में उन सब के नाम चाहिए। ओके सर। रूम नंबर 101 में कौन ठहरा? जी कोई मोहित नाम का आदमी। वो अभी है कमरे में? जी नहीं, इस वक्त तो बाहर गए। सर मैंने कहा था ना बच्चे को जरूर कोई धोखा हुआ है। आप लोग अंदर आए तो किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर हमने किसी चीज को नहीं छुआ। ठीक है आप जा सकते हैं। लाश यहाँ होने का कोई निशान तो नहीं दिख रहा है सर। फिर भी अगर लाश यहाँ पर थी तो कोई ना कोई निशान तो होगा ही सर। हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई है, शक्ल का तो कोई निशान नहीं है।
हो सकता है खून हुआ ही ना हो सर। मगर वो बच्चे ने लाश इस कमरे में देखी है। हाँ, और अगर लाश यहां पर थी तो फिर वो गई कहां? रिकी अब बहुत हो गया तैरना, चलो बाहर निकलो। और वैसे भी बारिश में तैरना ठीक नहीं है, चलो जल्दी करो बाहर आ जाओ। आखिरी राइड, लेकिन संभाल कर जाना, अपनी सांस रोके रखना। लेकिन हुआ क्या, तुमने पानी में कुछ देखा? हाँ, डेड बॉडी है। क्या? सर यहाँ मिट्टी दिख रही है, पता नहीं इस कमरे में रहने वाले के जूतों से आई है या लाश के जूतों से। मुझे मैनेजर ने बताया है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप? मेरा नाम मोहित है, मैं इसी कमरे में ठहरा हूं। ओ मोहित जी, एक बच्चे ने आपके इस कमरे में लाश देखी है। लाश यहां? मेरे कमरे में लाश कहां से आएगी? आप इस कमरे से बाहर कब गए थे? मैं तो सुबह ही चला गया था। मोहित जी आप कहां से आए हैं? दिल्ली से। यहां किस किस से मिल रहे हैं? मैं किस किस से मिल रहा हूं, इससे आपको क्या मतलब है? मतलब है लाश आपके कमरे में देखी गई है। लेकिन लाश है कहां? सर लाश नीचे स्विमिंग पूल के अंदर है। क्या? लाश स्विमिंग पूल में? लेकिन बेटा कहाँ देखा था तुमने उस लाश को? ऊपर हाँ। से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या पानी के अंदर जाके देख, लड़का कह रहा है यही कहीं लाश है। क्या देखा? मैंने वहां पर एक लाश देखी थी। अच्छा, क्या वो वही आदमी था जिसे तुमने रूम में देखा? हाँ। मैम कहीं ये बच्चा किसी बात से डरा हुआ तो नहीं? मिस्टर ने शायद किसी बात से, तो शायद इसलिए इसे लग रहा है कि लाश है जबकि नहीं है। सर कहीं ये बच्चा झूठ तो नहीं बोला? रिकी झूठ क्यों बोलेगा, और अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों को बुलाती क्यों? एक बात बताएं मैम, जब आपको रिके ने बताया कि आप पूल में एक लाश है तो आपने तभी हल्ला क्यों नहीं मचाया? बहुत से लोग आपकी मदद करने आ जाते हैं यहाँ से। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं डर गई थी इसलिए मैं सीधे आप लोगों के पास आ गई। आपने उस आदमी की लाश देखी थी? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मुझे तो दिखी ही नहीं। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो लाश अभी भी पानी में ही है, मैंने उसे कमरे में भी देखा था और वो यहाँ पर भी है। रो मत बेटा, चुप हो जा, इट्स ओके। बच्चा डर गया है, वो झूठ नहीं बोल रहा।
उसने लाश देखी है। मगर सर हमें होटल से यहाँ आने में करीब 5 मिनट लगे होंगे। तो क्या इन 5 मिनटों में किसी ने लाश को पूल से निकाल कर कहीं छिपा दी? अगर सर वो लाश यहाँ से ले जाई गई है तो कितने देर में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। बेटे बगर सर होटल के सारे गेट बंद करो, किसी को भी बाहर जाने मत देना। ओके सर। होटल का चप्पा चप्पा वो लाश यहीं कहीं होटल में होनी चाहिए। मालूम है मुझे यहाँ पर कोई लाश नहीं है, वरना आप लोग मुझे बता नहीं देते, है ना? Excuse me. इस फ्रीजर में क्या है? सर इसमें चिकन मटन और सब्जियां। कहीं लाश तो नहीं रखी? ये क्या कह रहे हैं आप, हम किचन में लाश क्यों रखेंगे? अब पता चल जाएगा। यहाँ पर छुपा कर रखी गई है सर, और उसके पास ये हैंड टॉवल भी मिला है। सर शायद इस आदमी की मौत दम घुटने से हुई है, किसने इसका गला घोट दिया सर। पर ये आदमी है कौन? क्या आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं। इस आदमी की पहचान होना बहुत जरूरी है। देख जरा इसकी जेब चेक करो, देखो शायद कुछ मिल सकता है। जेब कुछ भी नहीं है। सर, गन। गन? मरे हुए आदमी के पास गन? ये आदमी गन लेके होटल के अंदर क्यों आया होगा? कहीं ये किसी को मारना तो नहीं चाहता था? ये लाश उस बच्चे ने पहले रूम नंबर 101 में देखी, फिर स्विमिंग पूल में, और अब ये लाश हमें यहां मिली जिम में। इसका यही मतलब है कि इस आदमी का खून होटल में ही काम करने वाले किसी आदमी ने किया है। तभी वो लाश को इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। खरोचे गहरी है सर, जिसने भी इसे मारा है शायद उसके नाखून बहुत लंबे हों। इस होटल में काम करने वाले सभी लोगों के नाखून चेक करो। सर शुरुआत इनसे ही करते हैं, क्या मैं आप लोगों के नाखून देख सकता हूँ? आप हम इसे क्यों मारेंगे सर? हाथ तो दिखाइए। ये क्या? हाथ आगे कीजिए। सर इसके नाखून में खून है। हम इसे क्यों मारेंगे सर, हम तो इसे जानते भी नहीं है। देखो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, सच सच बताओ। सर हमने उसे नहीं मारा, हमें छोड़ दीजिए, वो तो मैनेजर ने। मैनेजर ने? हाँ सर, मैनेजर ने ही इसे मारा, हमने तो सिर्फ लाश छिपाने में उसकी मदद की थी। मगर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? मैनेजर ने हमसे कहा कि वो हमें बहुत सारे पैसे देगा,
हम उसकी बातों में आ गए। मैनेजर कहाँ है? वो तो घर पे चले गए। रहता कहाँ है वो? थिएटर आराधना अपार्टमेंट वर्सोवा। फ्रेडरिक्स, इन दोनों को ब्यूरो लेके जाओ। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। चलिए सर, तुम और सुधाकर मैनेजर के घर पर नजर रखो। भागने से पहले वो एक बार जरूर घर पर आए। हम इस लाश के बारे में पता लगाते हैं। जो आदमी ये गन लेकर घूमता है वो दूध का धुला हुआ नहीं हो सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, अभी तक इस आदमी की पहचान नहीं हो सकी। पता नहीं चल रहा ये आदमी है कौन। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस होटल में इसका खून हुआ है उसमें ये ठहरा हुआ भी नहीं था। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड हो सकता है? क्योंकि मरते मरते ये कुछ बता के गया है। क्या? कि इसके पास एक गन मिली है। या तो इस आदमी की जान खतरे में थी इसलिए ये गन लेकर चल रहा था, या फिर ये कोई बदमाश होगा। थोड़ी देर की बात है, फिंगरप्रिंट से तो पता चल ही जाएगा कि ये आदमी सीआईडी का दामाद था या नहीं। ये लो डॉक्टर, इट्स डन। थैंक यू। इस आदमी की लाश सबसे पहले एक बच्चे ने देखी थी, दो बार। पहली बार होटल के रूम में और दूसरी बार होटल के स्विमिंग पूल में। ये बता, इस नशीले रात में मेरा दिल दक्ष, सीआईडी में हंसना और गाना गाना मना है। सर, आप सुनेंगे तो आप भी गाना गाएंगे। आई मीन इस आदमी का रिकॉर्ड मिल गया है सर। ये देखिए, इस आदमी का नाम विजय है और ये पिछले 20 साल से जेल में था। क्या किया था इसने? सर, इसने अपने पिता का खून किया था। पिता का खून किया था? मेंटली डिस्टर्ब होगा शायद। खतरनाक आदमी लगता है। सर, हम लोग मैनेजर के घर के अंदर घुस गए हैं चुपके से। जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ लेंगे सर। अरे तुम घर के अंदर क्यों घुसे दया? घर के बाहर ही इंतजार करना था ना। सर, काफी देर तक हम लोग घर के बाहर रुके रहे हैं, फिर मुझे लगा शायद वो घर के अंदर चुपके बैठा हो इसलिए घुस गए सर। अच्छा, घर में कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक नहीं। हम लोगों ने घर के सारी लाइट्स ऑफ करके रखी। सर, क्या? कुछ आवाज है। आवाज? चाबी की आवाज है सर। सर, लगता है वो आ गया। देखो ध्यान से, उसे उसे मार मत देना। ठीक है सर। आवाज नहीं आ रही है, कहीं वो खिड़की से भाग तो नहीं गया? मुकुल, मुकुल, ये तुम्हारे क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे सामने तो अंदर आया, ये मरा कैसे? बड़ी अजीब बात है, इस आदमी ने विजय का खून किया और कुछ घंटों बाद ही इसका खून हो गया। हमें तो 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे सर कमरे के अंदर पहुंचने में। वही तो बात है, इतने कम समय में ये मर कैसे सकता है?
चूंकि शरीर पर कोई चोट या खरोच के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उससे तो लगता है या तो इसका हार्ट फेलियर हो गया या फिर इसने कोई जहर खा लिया। सर, ये आदमी जहर से ही मरा। अच्छा? हाँ सर, इस आदमी को जहर दिया गया। वही तो मैं कह रहा। मगर सर, इसे जहर दिया कब गया? कमरे के अंदर जाते वक्त ये आदमी हमारे सामने ही था और वहाँ कोई दूसरा आदमी था भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि घर में आने से पहले ये जहर खा के आया हो। सर, ये आदमी राइसिन चला रहा है। राइसिन? हाँ सर, बहुत थोड़ा सा खाया होगा। स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। ये जहर कितनी देर में असर करता है? 10 से 12 घंटे तो लगते हैं सर। आदमी को पहले चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, होश नहीं रहता। जब हमने इसे देखा तो ये लड़खड़ा के चल रहा था, हमें लगा कि पिया हुआ है। डॉक्टर अंजलिका, विजय का खून कब हुआ? जब मैनेजर को जहर दिया गया, मतलब 10 घंटे पहले, तभी विजय की भी मौत हुई। तो इसका मतलब है कि जब ये आदमी विजय की लाश को होटल के अंदर छुपा रहा था, तब जहर फैल चुका था इसके शरीर में। यस सर। सर, ये विजय 20 साल जेल में था और जब ये जेल से बाहर आया तो उसे अचानक गन की जरूरत क्यों पड़ गई? ये गन लेके होटल में गया। विजय और ये मैनेजर मुकुट दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे, जरूर इनके बीच में कोई खिचड़ी पकी होगी। सर, सब पता चल गया। इस विजय को जो 20 साल जेल की सजा हुई थी वो इस मैनेजर के कारण हुई। इस मैनेजर ने ही कोर्ट में गवाही दी। अब सब साफ हो गया। इसका मतलब है विजय ने मैनेजर से बदला लेने के लिए मैनेजर को जहर खिलाया और मैनेजर ने विजय का खून कर दिया। जरा पता लगाओ इस केस में किन किन लोगों ने गवाही दी। मैनेजर अकेला थोड़ी होगा, और भी लोग होंगे और शायद विजय ने सबको जहर दिया होगा मरने से पहले। सर, सब मिलाकर कोर्ट में 3 लोगों ने गवाही दी। एक तो मैनेजर, दूसरा सोमेश, ये विजय के चाचा का लड़का है, और तीसरा ये पंकज। विजय ने कोर्ट में कहा कि जब उसके पिता का खून हुआ तब वो, मतलब कि विजय, इस मैनेजर के साथ था। मगर मैनेजर ने कहा कि नहीं, विजय झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ था ही नहीं। शायद इस वजह से विजय का दिमाग घूम गया। और जैसे वो जेल से बाहर आया उसने मैनेजर का खून कर दिया। और इन बाकी के 2 लोगों ने क्या गवाही दी? सर, ये सोमेश और ये पंकज, इन दोनों ने कोर्ट में कहा कि इन लोगों ने विजय को उस रात को अपने पिता के घर से निकलते हुए देखा। तो जेल से निकलने के बाद वो इन दोनों से भी मिला होगा, मतलब इन दोनों की जान खतरे में है। हमें किसी भी हालत में सोमेश और पंकज से मिलना चाहिए। सोमेश जी, हम आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि जेल से छूटने के बाद क्या विजय आपसे मिलने आया था? हाँ, आया तो था। विजय आया था? हाँ। क्यों, क्या हुआ? जेल से छूटने के बाद विजय ने मैनेजर को जहर देकर मार दिया। आप लोगों ने साथ में बैठकर कुछ खाया तो नहीं ना? मैं तो घर में था ही नहीं, फिर साथ में कैसे बैठ के कुछ खा सकते थे? मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई। अच्छा, आप जब घर पर नहीं थे तब उसने यहाँ किससे बात की? शंकर, ये विजय आपके चाचा का लड़का है ना? हाँ, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है। पैसे के लिए उसने अपने बाप का खून कर दिया। शंकर जी साहब, जब विजय यहाँ पे आया था तब क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, मैं तो उनके लिए अंदर पानी लेने गया था। मतलब वो अकेला था यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, उसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, कहीं उसने कुछ छुपा तो नहीं रखा है? देखो, इसमें क्या है? इस बिस्किट, ये कहां से आया आपके? ये तो मेरा नहीं है। ये आवाज पंकज है घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? जी हाँ, जरा देखिए।
इस फोटो को देखिए और बताइए इसे पहचानती हैं आप? ये तो कल सुबह आए थे मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए। हुआ क्या? कोई आपस में झगड़ा वगैरह हुआ था? हाँ, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी। कहाँ गए आपके पति? खंडाला। खंडाला? गाड़ी लगती है, लगता वो घर में ही है। पंकज है घर में? पता नहीं साहब, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर हूँ साहब। पंकज, 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 पंकज। लगता है मैनेजर की तरह इसका भी खून कर दिया गया। सर, ये आदमी भी मरा तो जहर से ही, मगर इसने जो जहर खाया है वो राइसिन नहीं है। राइसिन नहीं है? ये तो कोई दूसरा ही पॉइजन। मैनेजर की मौत स्लो पॉइजन से हुई, मगर इस पंकज ने जो पॉइजन खाया है उससे तो आदमी की मौत फटाफट हो जाती है। एक मिनट डॉक्टर अंजलि, विजय जो जहर लेकर घूम रहा था वो राइसिन था, है ना? हाँ सर। अगर उसने एक आदमी को राइसिन देकर मारा है तो फिर वो दूसरे आदमी को दूसरा जहर क्यों देगा? वो तो उसे राइसिन ही देगा ना। हाँ सर, दूसरे आदमी को राइसिन ही खिलाना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर अंजलि का। जिस जहर से पंकज मरा है उस जहर से मौत कितनी देर में हो जाती है? शायद 10 या 15 मिनट में आदमी मर जाता है, और मुझे लगता है इसकी मौत कल दोपहर को करीब 3 बजे हुई। कल दोपहर को? हाँ सर। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर अंजलिका। जब विजय की मौत 2 दिन पहले हो गई है तो वो कल पंकज को जहर कैसे दे सकता है? हाँ सर, ये बात तो है। इसका मतलब है विजय ने पंकज को नहीं मारा, किसी और ने ही मारा। हाँ, और शायद इसीलिए मैनेजर और पंकज दोनों अलग अलग जहर से मरे। तो फिर सर, पंकज को किसने मारा? हो सकता है पंकज को मारने के लिए विजय ने सुपारी दी, या ये हो सकता है सर कि मरने से पहले विजय ने किसी से बोल दिया होगा कि तू पंकज को मार दे और मैं मैनेजर से निपट लूंगा। और जिसने भी पंकज को मारा है वो जानता था कि पंकज खंडाला जाने वाला है। वो खंडाला गया और उसने मौका देखकर पंकज को जहर खिला दिया। क्या सर, तुम तुरंत खंडाला जाके पंकज के घर की तलाश करो, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जब तुम्हारे पंकज साहब का खून हुआ तो तुम कहां थे? घर पे ही थे ना? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब, आधे पौने घंटे के लिए मैं बाहर गया था, वो मार्केट गया। चुप, बाहर गया था। तुम भी इस खून में मिले हुए हो? नहीं साहब, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साहब मुंबई से अकेले आए थे या साथ में कोई और भी आया था? वो तो साहब अकेले आए थे। ठीक है, तुम वहां कोने में जाके खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बात पूछताछ करूं। किसी ऐसे आदमी का काम है जो पंकज को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तभी यहाँ किसी भी तरह के स्ट्रगल के हाथापाई के कोई निशान नहीं है। सर, हाँ, ज्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं है सर, लगता है किसी ने उंगलियों के निशान मिटा दिए कपड़े से। ठीक है, जितने भी उठा लो। सर, पकड़े, ये देखिए। फाइबर इस घर का नहीं लगता है। इस तरह के रंग की कोई भी चीज इस घर में नहीं है। डॉक्टर अंजलि का इस फाइबर से बहुत कुछ पता लगा सकती है। हाँ डॉक्टर, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर, पंकज के घर से तो कुछ खास नहीं,
और वहां जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो या तो पंकज के हैं या उसके नौकर। किसी तीसरे आदमी के वहां आने का कोई निशान नहीं मिला। मगर किसी ने तो जहर दिया होगा उसको वहां जाके। वो जहर देने वाला आदमी कुछ तो निशान छोड़ के गया होगा। सर एक बहुत छोटी सी चीज मिली, शायद इससे काम बन जाए। ये एक दो छोटे से फाइबर मिले। अच्छा, इन रेशों को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ और ही दिखता है। ये देखिए सर, इस फाइबर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये धागे कारपेट बनाने में लगाए जाते हैं। कारपेट? कारपेट या उस जैसी कोई चीज बनाने में यूज किए जाते हैं। पर सर पंकज के एक खंडाला वाले बंगले में कहीं पे भी कोई कारपेट नहीं है। मगर सर ये धागे हमें मिले तो है पंकज के घर से, तो क्या कोई बाहर से वहां पे ये धागे लेके आए? सर शायद किसी के कपड़े से लगकर ये धागे पंकज के घर पहुंच सकते हैं, या किसी के जूते से लगकर पहुंच सकते हैं। मतलब ये कारपेट जिस आदमी का है, पहले उसके शरीर पर ये धागा लगा, उसके बाद जब वो पंकज के घर गया तो वो धागा वहां गिर गया। हाँ सर ऐसा ही हुआ। तो अगर हम ये कारपेट ढूंढ लें तो वो आदमी हमें मिल जाएगा। धागे से कारपेट और कारपेट से आदमी। पंकज के मुंबई वाले घर में जाकर देखो कि इस तरह का कारपेट वहां है या नहीं। अगर वहां कारपेट नहीं है तो उन कारपेट बनाने वालों का पता लगाओ जो इस तरह के धागे बनाते हैं। मुझे लगता है इन धागों में हमारा भविष्य अटका हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया, एक इतने छोटे से फाइबर को लेकर आप निकल पड़े एक कारपेट ढूंढने के लिए। जी और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस कारपेट को ढूंढ निकालनी है जहां से ये फाइबर आया है। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, एक छोटे से धागे से इतनी उम्मीद लगाए बैठे आप। उम्मीद से तो दुनिया चलती है साहब। पर बात क्या है, हमें इस फाइबर से एक खूनी को ढूंढ निकालना है, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपको उन दुकानों का नाम और पता देता हूं जहां हमारे कारपेट बिकते हैं, आप वहां जाकर पूछो। कितनी दुकानें? शायद 6 हैं। 5 दुकानों में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, शायद इस वाली दुकान में कुछ हाथ लग जाए। ये रहे सर, ये आखिरी दुकान है। अगर यहाँ पे कुछ पता नहीं चला तो अपनी कारपेट की दुकान पर पंकज का खून किसने किया ये पता लगाने के लिए कोई और सुराग ढूंढना पड़ेगा। हेलो आलोक, सीआईडी से। सीआईडी? जी, आपके पास इस तरह का कारपेट है? हाँ है ना साहब। है जी। अब तक कितने बेचे हैं? इस तरह का कारपेट तो साहब अभी तक एक ही बेचा है। एक ही बेचा है? किसने खरीदा ये? ये तो नहीं मालूम किसने खरीदा होगा, मगर हाँ एक फेरी वाले ने बेचा है। ये आपने रोड पे देखा होगा ना, फेरी वाले अक्सर कारपेट लेकर घूमते हैं, ये हमसे ही ले जाते हैं। आप जानते हैं उस फेरी वाले को? हाँ साहब क्यों नहीं, ये अक्सर हमारा ही माल बेचता है। मुझे ये बताओ मिलेगा कहाँ फेरी वाला, उसके घर का पता मालूम है? नहीं साहब घर का पता तो नहीं मालूम, मगर हाँ ये आपको अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच में मिलेगा। कारपेट बेचने वाला आया था? हाँ साहब 5 मिनट पहले देखा था। देखा था? इधर क्या बोल? उधर की ओर गए साहब। कारपेट लो साहब। कारपेट वाला? कारपेट वाला आ गया साहब। कारपेट वाला? ए कारपेट, कारपेट लेना क्या साहब? हाँ हमें ये वाला कारपेट चाहिए। ये वाला कारपेट? हाँ ये वाला कारपेट तो एक ही पीस था साहब मेरे पास, मगर वो बिक गया, आप दूसरा ले लो। किससे खरीदा ये कारपेट? मुझे नाम तो नहीं मालूम है साहब। घर तो पता होगा? हाँ सर। चलो अब इसका घर दिखाओ। इसे याद है ना? हाँ सर। रुकिए साहब, रुकिए साहब। ये वाला मकान सर। ये वाला? हाँ साहब। तुम्हें पक्का मालूम है यही वाला? कि डर के मारे कुछ भी बोल रहे हो? नहीं साहब मुझे उसी तरह याद है।
सर, सर पता लग गया। हाँ सर, सर हम उसके घर पे बाहर ही खड़े हैं। हाँ सर, सर लगता है सोमेश की जान खतरे में है। सुमेश, कौन है? कौन है? देखो मैं तैयारी से हूँ। फायरिंग बंद करो, वरना गोली मार दूँगा। अरे, तुम यहाँ छुप के बैठे हो? ये क्या हो रहा है? कौन चला रहा है गोलियाँ? पता नहीं कौन पागल घर में घुसा है। फिर रुको सर। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? फ्री फायरिंग कौन कर रहा है? जरूर कोई तुम्हारा दुश्मन है। एक विजयी था जिसके खिलाफ मैंने कोर्ट में कवर किया। नहीं, वो मरा नहीं था। क्यों? नहीं, जब मरा नहीं था वो सिर्फ घायल हुआ था, वैसे ही भाग गया। हमें लगा वो मर गया, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे बता लो सर, मुझे लगता है कि वो विजय ही है, वो मुझे मार डाले का सर, उसे रोको सर। अरे यार, जिंदा बचूंगा तो रोकूंगा ना। अरे बोल बेटा सोमेश, अब तुझे कौन बचाया था? वो सीआईडी वाला तो भाग गया, अब गिनती की। एक, दो, तीन, गिनती गिन, गिनती गिन, विजय, विजय, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना है सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। मरे हुए आदमी का तो क्या देगा तुम्हें? विजय तो बेचारा मर गया है। ये सब क्या है? तुम्हारी पोल खुल गई है सोमेश। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? हाँ? अब बोल, क्या चक्कर? मैंने मुकुल और पंकज के साथ मिलकर विजय के पिता का खून किया था और झूठी दवाई देकर विजय को फंसा दिया था। विजय को जेल हो गया। विजय मेरे चाचा का लड़का था। चाचा और विजय के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिली। तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। हाँ सर, मगर मुकुल और पंकज कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे। वो पिछले 20 साल से मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। मुझे जब 20 साल के बाद जेल से छूटा तो मैंने सोचा मुकुल और पंकज को मार के फिर से विजय को फंसा देता हूँ। तो विजय ने किसी को नहीं मारा, सारे खून तुमने किए। हाँ, लेकिन सर विजय को मैंने नहीं, मुकुल ने मारा था। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो वो सजा भी कम होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।